Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और नीरजा भनोट ये नाम भारतीय नारी की वीरता का प्रतीक है, जिसने अपनी आखिरी सांसें भी निछावर कर दिया और सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दे दी। आतंकवादी बच्चों पर गोली चलाता रहा और नीरजा उन बच्चों को अपनी बाहों में समेटे सारी गोलियां अपनी पीठ पर खाती रही। आज के इस केस स्टडी में हम जानेंगे नीरजा की वीरता की अनोखी कहानी। 5 सितंबर 1986 एक अमेरिकन एयरलाइन पैन एम फ्लाइट 73 बॉम्बई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाला था, पर यह उड़ान डायरेक्ट नहीं था बल्कि इस प्लेन को बॉम्बई इंडिया से पाकिस्तान में कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद यहां से भी कुछ पैसेंजर्स को लेके प्लेन को रिफ्यूलिंग करके न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरना था। ये बोइंग 747 का 4 इंजन वाला विशालकाय प्लेन था। प्लेन में 260 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 5 सितंबर 1986 ये प्लेन बॉम्बे से टेक ऑफ करके कराची पहुंच गया। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड का भेष धरे 4 आतंकवादी एक वैन में सवार हो गया। इसके बाद ये एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए सीधे फ्लाइट 73 के पास जाके रुका। चारों आतंकवादी हथियारों से लैस थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू कर दिया। गोलियों की बौछार करते हुए आतंकी प्लेन की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान एयरपोर्ट में काम कर रहे 2 वर्कर्स को गोली लग गई और उन दोनों की मौत हो गई। ये सब देखते हुए फ्लाइट 73 की केबिन क्रू प्लेन के डोर को बंद करने की कोशिश करने लगी, पर वो हाइजैकर्स गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। नीरजा भी इस प्लेन में मौजूद थी। उसने गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत ही पायलट को इन्फॉर्म किया कि कुछ टेररिस्ट हमारे प्लेन की ओर आ रहा है, जल्दी से ATC को इन्फॉर्म करके मदद बुलाओ और कॉकपिट के डोर को लॉक कर दो ताकि वो आतंकवादी कॉकपिट पर अपना कब्जा ना जमा सके। अब प्लेन के अंदर दोनों पायलट ने कॉकपिट के डोर को लॉक कर दिया। इस प्लेन के ऊपर की ओर एक दरवाजा था जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। तुरंत ही दोनों पायलट ने हैच यानी कि ऊपर के दरवाजे को खोला और दोनों के दोनों पायलट वहां से भाग खड़े हुए। कराची में लैंडिंग के 40 मिनट बाद प्लेन पूरी तरह से आतंकियों के कंट्रोल में आ चुका था। अब पैन एम फ्लाइट 73 पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था। सभी हाईजैकर्स के पास पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव बेल्ट था। कुछ ही मिनटों में हाईजैकर्स को यह पता चल गया कि कॉकपिट के सारे क्रू मेंबर्स भाग चुके हैं। अब कोई भी क्रू मेंबर ऐसा नहीं है जो इस प्लेन को उड़ा सकता है। इट मींस अब बातचीत करके पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। ये सब देखते हुए हाईजैकर काफी गुस्से में आ गया। उसने राजेश कुमार नाम के एक शख्स को बुलाया। वो डरते हुए आतंकियों से कहा कि मुझे मत मारो, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। इतना सुनते ही आतंकी राजेश को दरवाजे के सामने खड़ा करके वहीं पर गोली मार दिया गया और उसके बाद उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसके बॉडी को प्लेन से दूर लाया गया। सांसें अभी भी चल रही थी, पर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाता रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्लेन में कोई पायलट तो नहीं था। अब हाईजैकर ये डिमांड करने लगा कि जल्दी से जल्दी पायलट्स को दोबारा प्लेन में भेजो, नहीं तो हम एक एक करके सभी को मार देंगे। प्लेन में कोई पायलट तो था नहीं, पर 3 फ्लाइट क्रू अब भी मौजूद थी, जिनमें से नीरजा, माधवी और सनशाइन थी। हाईजैकर ने केबिन क्रू से कहा कि सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट को जमा करो और अमेरिकन पासपोर्ट को एक साइड में रखो। प्लेन में 360 से भी अधिक लोग मौजूद थे। अब इतने सारे पासपोर्ट को इकट्ठा करना था। यहाँ पर नीरजा को समझ में आ चुका था कि ये हाईजैकर्स इंडियन को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि इसका टारगेट अमेरिकन्स है। इसीलिए तो जैसे ही राजेश ने कहा कि मैं अमेरिकन हूँ, उसे वहीं पर गोली मार दिया गया। और यहाँ पर भी ये लोग बोल रहा है कि अमेरिकन्स का पासपोर्ट एक साइड में रखो, यानी कि ये हाईजैकर्स एक एक करके अमेरिकन्स को ही मारने वाले थे। नीरजा बड़े ही चालाकी से अमेरिकन पासपोर्ट को छुपा दिया। 366 में से 44 पैसेंजर्स अमेरिकन थे। इन 44 में से सारे पासपोर्ट को या तो डस्टबिन में डाल दिया गया या फिर सीट के नीचे छिपा दिया गया। बाकी के सारे पासपोर्ट को टेररिस्ट को दे दिया गया। अब ये आतंकवादी एक एक करके अमेरिकन पासपोर्ट खोजने लगा, पर एक भी पासपोर्ट ऐसा नहीं था जो अमेरिकन हो।
अब टेररिस्ट एक एक करके पूछताछ करने लगा। नीरजा किसी तरह से टेररिस्ट को चकमा देकर समय टाल रही थी ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। इसी दौरान नीरजा ने दरवाजे के सामने बैठे एक पैसेंजर को न्यूज़पेपर दिया और कहा कि इसे पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इस न्यूज़पेपर के अंदर प्लेन के डोर को खोलने का प्रोसेस लिखा हुआ था। अब तक प्लेन में लाइट जल रही थी, प्लेन को रिफ्यूलिंग भी नहीं किया गया था, प्लेन का चारों इंजन तो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन प्लेन के टेल में APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा होता है। यही APU अब तक पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ फ्यूल खत्म होता गया और ये APU शट डाउन हो गया। आतंकियों ने प्लेन के कोने कोने पर एक्सप्लोसिव बिछा रखा था। जैसे ही लाइट ऑफ हो गया, सारे आतंकी डर गया और उन एक्सप्लोसिव पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में एक भी गोली उन एक्सप्लोसिव बेल्ट पर नहीं लगा। अगर एक भी गोली लग जाती तो पूरा का पूरा प्लेन एक धमाके में ही खत्म हो जाता। चारों आतंकी एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए नीरजा ने डोर को खोल दिया, साथ ही उस पैसेंजर ने भी डोर को खोल दिया। अब चारों अंधेरे में परेशान कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो पैसेंजर पर गोलियां चलाने लगा। नीरजा अगर चाहती तो दरवाजा खुलने के तुरंत बाद वहां से निकल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला। ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी भी प्लेन के पास पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल गए। अब नीरजा भी वहां से निकलने ही वाली थी, तभी उसे तीन बच्चे दिखाई दिया। वो बच्चे प्लेन में मौजूद आखिरी पैसेंजर्स थे। आतंकियों ने उन बच्चों को निशाना लगाया और गोलियों की बरसात कर दिया। नीरजा उन तीनों बच्चों को बाहों में जकड़ा और मुड़कर पीठ टेररिस्ट की ओर कर दिया। नीरजा लाचार गोलियां खाती रही, पर उन बच्चों को एक खरोच न आया। उसने वहां पर आखिरी शब्द उन बच्चों को बस यही कहा कि भागो यहां से। नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए बच्चे भागने में कामयाब हो गए और नीरजा खून से लथपथ नीचे फिसलते हुए आ गई। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही नीरजा की मौत हो गई। और इस तरह से नीरजा अपने फर्ज के लिए, इंसानियत के लिए वीर गति प्राप्त कर लिया। नीरजा अक्सर ये कहा करती थी कि माँ, अगर मेरा प्लेन हाईजैक हो जाएगा ना, तो मैं सारे हाईजैकर को मार दूंगी, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। उसकी माँ ने जब नीरजा का शव देखा तो वो बातें, वो यादें आंखों में आंसू बनकर बरसने लगी। इस हादसे में 388 लोगों में से करीब 120 लोग घायल हो गए और कुल 51 लोगों की मौत हो गई और 358 लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई। भारत ने नीरजा को अशोक चक्र से सम्मानित किया, वहीं पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान और US ने भी 4 अवार्ड से नीरजा को सम्मानित किया। नीरजा फ्लाइट अटेंडेंट के जॉब के साथ साथ मॉडलिंग भी किया करती थी। उसने कई एडवर्टीजमेंट पर भी काम किया जो अक्सर टेलीविजन में भी उन दिनों दिखाया जाता था। इन 4 आतंकियों में था जायद हुसैन, मोहम्मद हाफिज, जमाल अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन और अहमद अनवर भी था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये हादसा एक ऐसा हादसा था जो होना ही नहीं चाहिए था। जरा सोच के देखिए, 4 आतंकवादी भेष बदलकर घुस गया और किसी को पता भी नहीं चला। चलो मान लेते हैं कि उसने वर्कर का ड्रेस पहन रखा था, डुप्लीकेट ID बना के रखा होगा, इसलिए वो आसानी से घुस गया। लेकिन इतने बड़े वैन को एयरपोर्ट में लेके कैसे घुस गया, वो भी मेन गेट से, जरा आप भी विचार कीजिए। और वो गाड़ी ऐसा वैसा गाड़ी नहीं था, पूरे गाड़ी में हथियार और गोला बारूद भरा हुआ था। क्या किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि कम से कम उस गाड़ी की तलाशी ले ली जाए। जरा आप खुद सोचिए, दिन दहाड़े 4 आतंकवादी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट में घुस जाता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है और सिक्योरिटी गार्ड बस देखता रहता है। चलो कोई बात नहीं, इस हाईजैक की शुरुआत ऑलमोस्ट सुबह सुबह हुई थी और सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, फिर भी कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? प्लेन का ऊपरी दरवाजा खुला हुआ था, बचाव दल कॉकपिट के ऊपर के दरवाजे से अंदर कॉकपिट में घुस सकता था, इसके बाद आतंकियों को अपने निशाने में ले सकता था, पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया।
और वो भगोड़े पायलट एटलीस्ट अगर वो कॉकपिट पर रहता तो रेडियो कॉल के जरिए वो सब कुछ इन्फॉर्म कर सकता था कि कितने टेररिस्ट है, प्लेन में क्या हलचल हो रही है, उनका लोकेशन क्या है, ये सब कुछ आर्मी को बता सकता था। चलो ये भी अच्छा हुआ कि वो पायलट भाग गए, नहीं तो शायद आतंकी प्लेन को लेकर कहीं उड़ जाते। मुझे तो बस यही लगता है कि ये हादसा ऐसा हादसा था जो होना ही नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।